वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं क्विक मिठाई, जो बनाऊंगी मैं पनीर से। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5-7 मिनट में रेडी हो जाती है। ये ऐसी मिठाई है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो आज हम इसके साथ में 3 वीडियो शेयर करेंगे। वो है थाली डेकोरेशन और राखी मेकिंग। सो व्यूअर्स, चलिए जल्दी से अपनी मिठाई बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसमें मैं 2-3 चम्मच चीनी डालूंगी। ये मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी लिया है, आप ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सो व्यूअर्स, हमने इसको पीस लिया है, ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये इस तरह का बेलबिटी टेक्सचर हो गया है। अब हम इसको एक पैन में डाल लेंगे, कढ़ाई में। सो व्यूअर्स, गैस ऑन करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैं छोटी छोटी 3 चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ, और इसमें हम ऐड करेंगे ये इलायची क्रश या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये मैंने क्रश की है अदरक कूटने वाले उसमें इमाम दस्ते में। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और अपनी गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा लिक्विड ही नहीं हो जाता। ये बनेगी हमारी कलाकंद बर्फी, और इसको इसमें हम ना तो कोई घी डाल रहे हैं ना कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये खाली 2-3 चीज़ों से ही इतनी टेस्टी मिठाई बनती है और बहुत ही क्विक बन जाती है। इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, जब ये इकट्ठा होने लग जाएगा तब हम अपनी गैस बंद कर देंगे। सो व्यूअर्स, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है, अब इसको हम थोड़ी देर में अपनी ट्रे में निकाल लेंगे। हमने अपनी ट्रे को ग्रीस कर लिया है घी से। सो व्यूअर्स, ये इकट्ठा हो गया है, अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसको ट्रे पे निकाल लेंगे। ये मैं इस तरह का किनारे वाला टिफ़न यूज कर रही हूँ जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। अब हम इसके अंदर इसको सेट कर देते हैं। इसको हमने इस तरह से फैला लिया है और इसको हम इवन करेंगे चारों किनारे से इस तरह से, जिससे कि हमारी बर्फी एक समान निकल के आए। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, या फिर हम इसको जल्दी से निकालना है तो हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। ठंडी होने के बाद में आप इसको कट करके निकाल सकते हैं, मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। सो व्यूअर्स, 5-6 मिनट में ही मेरी ये बर्फी अच्छे से जम गई है। अब हम इसको कट करेंगे, हम इसको इक्वल साइज का कट करेंगे। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कट कीजिए, मैं इसको काट लेती हूँ। सो व्यूअर्स, मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे क्योंकि हमने ये फ्रीजर में रखा था, और फिर हम अपनी बर्फियाँ निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, मैंने इनको निकाल लिया, ये देखिए कितने अच्छे पीस बन के रेडी हुए हैं। अब हम इनको अपनी प्लेट पर रख लेंगे और इनके ऊपर इस तरह से एक एक बादाम लगाते जाएंगे थोड़ा प्रेस करके। ये देखिए, ये और भी सुंदर हो गया और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये मिनटों में बनने वाली मिठाई है, आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। मैं अपनी प्लेट को लगा लेती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारी बर्फी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी राखी की प्लेट लगा ली है, जो मेरी बेटी ने ये प्लेट डेकोरेट की थी मैंने वो प्लेट लगाई है। इसमें ये मैंने कुमकुम रखा है, ये राखियाँ रखी हैं, और अब हम इधर मिठाई रख लेते हैं जो मैंने बनाई है ये। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't go.